वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ विश्व भारती शिक्षा सदन बिहार चौरस्ता। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट वॉयस। आज मैं आप लोगों को वॉयस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ग्रामर का ये ऐसे पार्ट्स है जिसकी जानकारी इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश रिटन दोनों में बहुत मस्त है। वॉयस ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन में जिस तरह से किसी सेंटेंस का सेंस रिमेंस अनचेंज, सेंस जो होता है वो कभी नहीं बदलता है। ओनली द फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस चेंज बट सेंस रिमेंस अनचेंज। यानी ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि वाक्य का फॉर्म बदलता है, वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है। उसी ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग वॉयस का भी स्टडी करते हैं। वॉयस ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वॉयस उन्हीं विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आएगा जिनका टेंस पर अच्छी तरह से पकड़ है। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी उन्हें हो। तो चलें मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड मेरा कोई भी वीडियो जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे आप उस कंसेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी भी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि वॉयस, वॉयस जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन में रख सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछा जाए कि काउ क्या है तो सीधे कहते हैं कि नाउन है। उसी तरह वॉयस को किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखेंगे तो नाउन। वॉयस की हिंदी क्या होती है, वाच्य। वाच्य यानी बोली। वॉयस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वॉयस के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, समझने का प्रयास करेंगे। वॉयस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एक्सप्रेसेज सब्जेक्ट इज और डूअर और सफरर। यानी वॉयस क्रिया के रूप का एक पार्ट है जो यह व्यक्त करता है कि वाक्य का सब्जेक्ट काम करता है या किसी के द्वारा किए हुए कार्य का फल उस पर पड़ता है। डूअर किसको कहते हैं, डूअर यानी जो किसी काम को करता है। डू से डूअर बना है, डू वर्ब है जिसकी हिंदी होती है करना। किसी भी वर्ब में आप ईआर जोड़ देंगे तो नाउन हो जाएगा। तो डूअर यहाँ नाउन के रूप में है। डूअर का अर्थ होता है करने वाला, जो किसी काम को करता है या किसी के द्वारा किए हुए कार्य का फल अगर किसी पर पड़ता है, जिसको हम सफरर कहते हैं। यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, किसी के द्वारा की गई क्रिया का फल जब किसी पर पड़ता है या जो किसी क्रिया को करता है उसे हम वॉयस कहते हैं। इसे हिंदी में यहाँ लिख दिया गया है कि वॉयस क्रिया का वह रूप है जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट क्रिया को करता है या किसी द्वारा किए गए क्रिया का फल उस पर पड़ता है। यानी किसी काम को सब्जेक्ट कर रहा है या किसी के द्वारा किए हुए कार्य का फल उस सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है, जिसको सफरर बोलते हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि वॉयस कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर
टू काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस के दो भेद होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस जिसे हिंदी में कर्तृवाच या सक्रिय कहते हैं। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, पैसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय। पैसिव वॉइस जिसे हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं, दूसरे तरह से हम निष्क्रिय, यानी जिस वाक्य में किसी काम को कर्ता स्वयं करता है उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। जिस वाक्य में किसी के द्वारा किए हुए कार्य का फल जब किसी सब्जेक्ट में पड़ता है तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, यानी जिस वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता हो उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे पैसिव वॉइस कहेंगे। अब एक्टिव वॉइस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिफिनीशन के साथ साथ हम एग्जाम्पल को भी समझने का प्रयास करेंगे। एक्टिव वॉइस, व्हेन द सब्जेक्ट, यहाँ ध्यान देना है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट इज द डूअर, डूअर मतलब करने वाला हो, क्या ऑफ एन एक्शन, किसी काम को करता हो जिसे हम करता कहते हैं, द वर्ब फॉर्म यानी क्रिया का वह रूप इज एन एक्टिव वॉइस, क्रिया का वह रूप एक्टिव वॉइस कहलाता है। जब वाक्य का कर्ता किसी काम को करता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। रमेश यहाँ सब्जेक्ट है जिसको हम डूअर बोलेंगे, कौन सा काम करता है तो पढ़ता है, रीड्स, रमेश पढ़ने का काम खुद कर रहा है इसलिए यहाँ रमेश को डूअर बोलेंगे। क्या पढ़ता है तो अ नोबेल, रमेश उपन्यास पढ़ता है। अब यहाँ हम कहेंगे कि क्रिया जो है कर्ता के द्वारा संपादित हो रही है, जब क्रिया कर्ता के द्वारा संपादित हो, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैं द्वारा बोल रहा हूँ, जब क्रिया कर्ता के द्वारा संपादित हो तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। यहाँ फिर से एग्जाम्पल को देखें, रमेश रीड्स अ नोवेल, रमेश उपन्यास पढ़ता है, रमेश पढ़ने का कार्य खुद करता है इसलिए रमेश यहाँ डूअर कहलाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, यू रिस्पेक्ट मी, आप मेरा आदर करते हैं, आप मेरा सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट कौन करता है तो आप, यानी यहाँ यू डूअर का काम कर रहा है। इन दोनों एग्जाम्पल को हम एक्टिव वॉइस में रखेंगे, यानी यहाँ सब्जेक्ट डूअर है, करने वाला है, डूअर उसी को कहेंगे जो एक्शन को खुद करता है। चलें पैसिव वॉइस के बारे में अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि पैसिव वॉइस क्या है। पैसिव वॉइस जिसे हिंदी में हम कहते हैं कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, यानी क्रिया उस कर्म पर संपादित हो। आगे उदाहरण के द्वारा हम अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। When the subject of the sentence, जब वाक्य का सब्जेक्ट is the sufferer, सफरर का मतलब होता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, वो क्रिया को करता नहीं है, वो डूअर नहीं है, सफरर है, डूअर यानी क्रिया को करता है और सफरर यानी किसी के द्वारा की गई क्रिया का फल उस पर पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सफरर। एन एक्शन यानी किसी भी क्रिया का फल उस पर पड़ता है, द वर्ब फॉर्म उस क्रिया के फॉर्म को इज इन द पैसिव वॉइस कहते हैं। हिंदी में देखें, जब वाक्य के सब्जेक्ट पर क्रिया का फल पड़ता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। यहाँ एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है और ये पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है, समझने का प्रयास करेंगे।
यहां देखें, रमेश रीड्स अ नोवल, रमेश उपन्यास पढ़ता है। यहां रमेश डूअर है, जो सब्जेक्ट है नोवेल ऑब्जेक्ट है और रीड्स वर्ब है। अब यहां देखें कि रमेश की जगह नोवेल आ गया पैसिव वॉइस में, नोवेल की जगह रमेश चला गया। आ नोवेल वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है। आ नोवेल इज रीड बाय रमेश। अब यहां देखें, आ नोवेल इज रीड, उपन्यास पढ़ा जाता है, उपन्यास नहीं पढ़ता है, यहां ध्यान देने वाली बात है, उपन्यास नहीं पढ़ता है। उपन्यास नॉन लिविंग थिंग्स है, वो पढ़ेगा कैसे? ये एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह आया है, यानी क्रिया का, ये रीड क्रिया का फल नोवेल पर पड़ रहा है। यहां कहेंगे कि ये रीड क्रिया कर्ता द्वारा संपादित हो रही है, और यहां कहेंगे कि ये रीड क्रिया कर्ता पर संपादित हो रही है। ये दोनों चीज में ध्यान रखना है, जब कर्ता द्वारा होगा तो एक्टिव हो जाएगा, कर्ता पर होगा तो पैसिव हो जाएगा। फिर से समझे, रमेश रीड्स अ नोवेल, रमेश उपन्यास पढ़ता है, ये खुद पढ़ने का कार्य करता है, यानी उपन्यास किसके द्वारा पढ़ा जाता है? रमेश के द्वारा। अब यहां देखें, अ नोवेल इज रीड, उपन्यास पढ़ा जाता है, उपन्यास पढ़ता नहीं है, उपन्यास पढ़ा जाता है किसी दूसरे के द्वारा, बाई रमेश, रमेश के द्वारा। अब कहेंगे कि रमेश के द्वारा उपन्यास पढ़ा जाता है। यहां एक मार्क करने वाली चीज आपको बता देता हूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अर्थ में डिफरेंस नहीं होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल्स है। मैं पहले ही बताया कि सिर्फ सेंटेंस का फॉर्म बदलता है, सेंस नहीं बदलता है। अगर सेंस बदल गया तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अर्थ में अंतर नहीं होता है। फिर से समझे कि रमेश उपन्यास पढ़ता है, रमेश के द्वारा उपन्यास पढ़ा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, यू रिस्पेक्ट मी, आप मेरा सम्मान करते हैं, आप मेरा आदर करते हैं। अब यहां क्या है कि आदर कौन करता है, तो यू, यू यहां क्या है तो डूअर है। नेक्स्ट एक्ट पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल में देखें, आई एम रिस्पेक्टेड, आई एम रिस्पेक्टेड का मतलब हुआ कि मैं किसी को सम्मान नहीं करता हूं, मुझे सम्मान किया जाता है बाय यू, आपके द्वारा, आपके द्वारा मुझे सम्मानित किया जाता है, आपके द्वारा मुझे सम्मान दिया जाता है, यानी आई एम रिस्पेक्टेड बाय यू, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, क्योंकि इसमें आई जो है सब्जेक्ट की जगह पर है, बट ये सफरर है क्योंकि इसे रिस्पेक्ट किया जाता है, ये आई किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता है। अब एक चीज यहां और ध्यान देना है कि एक्टिव वॉइस का जो भी वाक्य होगा तो हिंदी में ने चिन्ह जरूर रहेगा, अब पैसिव वॉइस का जो भी वाक्य रहेगा उसमें को चिन्ह जरूर रहेगा। को चिन्ह अगर आए तो पैसिव वॉइस का वाक्य समझना है, ने चिन्ह जब आए तो एक्टिव वॉइस का वाक्य समझना। रमेश रीड्स अ नोवेल, रमेश उपन्यास पढ़ता है, यानी रमेश ने उपन्यास पढ़ता है, यानी ने चिन्ह यहां छिपा हुआ है, बोलने में ने अच्छा नहीं लगता है इसलिए ने को छिपा दिया गया है। अ नोवेल इज रीड, उपन्यास पढ़ा जाता है, किसको पढ़ा जाता है भाई, आप प्रश्न करेंगे तो उपन्यास को, किसके द्वारा, तो रमेश के द्वारा। तो पैसिव वॉइस में को चिन्ह आएगा, एक्टिव वॉइस में ने चिन्ह आएगा, आप मेरा सम्मान करते हैं, आई एम रिस्पेक्टेड बाई यू, आपके द्वारा मैं सम्मानित किया जाता हूं, आई एम रिस्पेक्टेड, किसको सम्मानित किया जाता है, तो आई को, इसलिए ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। एक चीज और यहां समझने वाली बात है कि जब पैसिव वॉइस का वाक्य होगा तो एक्जिलेरी वर्ब मस्ट हो जाता है,
और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मस्ट हो जाता है। यहाँ देखे दोनों वाक्य एक्टिव का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, दोनों में एक्जिलियरी नहीं है, दोनों में एक्जिलियरी नहीं है, मेन वर्ब है, रिस्पेक्ट भी मेन वर्ब है, लेकिन जैसे ही पैसिव में लाया गया तो यहाँ इज आ गया, यहाँ एम आ गया। आ इज के बाद क्या देख रहे हैं, तो ये रीड थर्ड फॉर्म है, रिस्पेक्टेड थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ इन छोटी छोटी बारीकियों पर आपको ध्यान देना होगा। जब एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव फॉर्म होगा उसमें एक्जिलरी नहीं मिलेगा, बाकी में मिलेगा। लेकिन अगर उसका पैसिव फॉर्म होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का, तो उसमें आपको एक्जिलरी मिलेगा। एक्जिलरी के साथ वर्ब का फॉर्म जो होता है वो थर्ड हो जाता है। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि कैसे चेंज किया जाता है एक्टिव से पैसिव में। हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव में हम कैसे बदलें। सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। जैसे यहाँ रमेश ऑब्जेक्ट की जगह आ गया और नोवेल जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ गया। इसी तरह से करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नाउन के नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग हम एक्जिलरी वर्ब को रखते हैं, एक्जिलरी वर्ब को रखते हैं। जैसे ही होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज हो जाएगा, आई होगा तो एम हो जाएगा, कोई नाउन सिंगुलर नाउन होगा तो इज हो जाएगा, कोई प्लुरल नाउन होगा तो आर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसके बाद क्या करते हैं, एक्जिलरी के बाद हम मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखते हैं। जैसे यहाँ देखें रीड या रिस्पेक्टेड, ये थर्ड फॉर्म है। और एक्जिलरी वर्ब के बाद ये देखें बाई प्लस ऑब्जेक्ट है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम चेंज करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक एक टेंस को, टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव पैटर्न एक तरफ रख करके, पैसिव पैटर्न एक तरफ रख करके, असर्टिव को कैसे चेंज करते हैं पैसिव में, निगेटिव को कैसे चेंज करते हैं पैसिव में, यस नो क्वेश्चन को कैसे चेंज करते हैं पैसिव में। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू। मोर इन नेक्स्ट वीडियो।